तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल परीक्षाओं को लेकर निर्णय होना था, लेकिन वो निर्णय नहीं हो पाया। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आ रही है कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि परीक्षाओं को लेकर अपडेट है कि परीक्षाएँ कब होगी। दोस्तों, यहाँ पे ये अपडेट है जो कि दैनिक भास्कर में प्रिंट हुई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता ऑफलाइन परीक्षा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुलाई अंत में हो सकते हैं कॉलेज एग्ज़ाम, उससे पहले 10 लाख स्टूडेंट्स को एक डोज लगेगी, मतलब आपका वैक्सीनेशन होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो परीक्षा के बारे में यहाँ पे कमेटी ने सरकार को ये तीन विकल्प दिए हैं। पहला यहाँ पे दोस्तों विकल्प है वो है कि कमेटी ने सरकार को तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि ऑफलाइन मोड, इसमें परीक्षार्थियों को कॉलेज में आकर परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ओपन बुक एग्जाम, जैसे ही दोस्तों अभी एमपी के अंदर वहाँ पे एग्ज़ाम हो रही है कि स्टूडेंट्स को पेपर वगैरह वो व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे जा रहे हैं और वो अपना जो भी मैटर है वो लिख के और कॉलेज में जमा करवा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा है कि ऑनलाइन, हालांकि कई क्षेत्रों में नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके अभाव में ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि भंवर सिंह भाटी का क्या कहना है, तो इसमें कहना है कि कमेटी की सिफारिश पर चर्चा की है, यूजीसी से भी कुछ जानकारी बाकी है, एक बैठक और करेंगे, उसके बाद परीक्षा का पैटर्न तय करेंगे, 17 में देरी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे 17 में वो देरी हो सकती है, यहाँ पर 17 है वो सितंबर तक भी स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है। और एक बार कमेटी यहाँ पर बैठक की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा देखिए नीचे, यहाँ पे आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा होगी, स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं होगी, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आगे प्रमोट करेंगे और तृतीय वर्ष के लिए पिछले साल कोर्ट ने ही परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। द्वितीय वर्ष की इसलिए क्योंकि पिछले साल प्रथम वर्ष के छात्र ही प्रमोट होकर द्वितीय वर्ष में आए थे। स्नातक में 2 साल का असेसमेंट ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में पिछली बार पास हो गए थे उनको पास नहीं किया जाएगा, उनकी एग्ज़ाम होगी, थर्ड ईयर की एग्ज़ाम होगी, और जो यहाँ पे जो स्टूडेंट नए हैं उनकी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगी, उनको प्रमोट किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसको हम स्टार्ट से पढ़ते हैं। मैंने जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, इसमें कि प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जुलाई के अंत में हो सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर मंगलवार को पहली बार सीएम अशोक गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अधिकारियों से चर्चा की है। सरकार परीक्षाओं के लिए तैयार है, लेकिन तीन विकल्पों पर विचार जारी है। सरकार ऑफलाइन परीक्षा के लिए पहली प्राथमिकता में रख रही है, इसके लिए 10 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स को वैक्सीन की भी तैयारी है। दोस्तों, यहाँ पे वैक्सीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में परीक्षा करवाई जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं गवर्नमेंट। और यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स को कम से कम एक डोज लगवानी होगी। सरकार जल्द गाइडलाइन जारी कर सकती है, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी से चर्चा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे थर्ड ईयर की सेकेंड थर्ड की तो एग्ज़ाम कन्फर्म रूप से होगी, फर्स्ट ईयर वालों को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं परीक्षाओं को लेके, कि पहला तो है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, आपको कॉलेज में आकर एग्ज़ाम देनी होगी जैसा कि आप देते हो। दूसरा है कि ओपन बुक एग्ज़ाम होगी, आपको पेपर दिया जाएगा और उसमें आपका जो भी आप लिखते हो वो वहाँ पे लिख के 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 आते हैं वो आपको करके, और उसको जो आप कॉपी है उसको आपको कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा। तीसरा है कि यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आपकी एग्ज़ाम है वो हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम की जो अपडेट है वो तो इसमें यह है कि आपकी एग्ज़ाम वो जुलाई के अंत में है वो स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कंफर्म है, जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम वो कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी अपडेट, आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।